Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे विद इन सेकेंड्स मतलब माइंड में ही किस तरीके से क्यूब रूट मतलब घनमूल आप ज्ञात कर सकते हैं भाई, जैसा कि थंबनेल में दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देर किए हुए। तो देखो, आप लोगों के सामने ये एक टेबल दिखाई दे रहा है, ये हमने 1 से लेकर 10 तक के नंबर याद किए हैं और इनके आपको क्या याद करने हैं, जस्ट क्यूब याद कर लेने हैं और उस क्यूब के यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक का ही सारा खेल है। तो वो इकाई का अंक देख लेते हैं जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है। तो देखो भाई, अगर आप 2 का क्यूब करोगे तो आपको 8 मिलेगा और 8 का क्यूब करोगे तो 512 मिलेगा। दैट मीन्स ये क्या हो जा रहा है भाई, ये पता चला हमें इंटरचेंज हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें 3 के क्यूब की, तो 3 का क्यूब कितना हो जा रहा है, 27। दैट मीन्स यूनिट प्लेस पर क्या मिला, 7। और यहीं पर अगर हम 7 के क्यूब की बात करें तो 7 का क्यूब कितना मिल जा रहा है, 343। दैट मीन्स हमारे पास 3 रिपीट हो जा रहा है। तो पता चला कि 2 में हमारा ये क्या हो रहा है, फ्लिप नंबर्स हैं, ये फ्लिप नंबर्स हैं। 2 पे हमारा 8 आ रहा है और 8 के क्यूब पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसे ही हमारे 3 का क्यूब करेंगे तो 7 आ जा रहा है और 7 का क्यूब करेंगे हमारे पास तो 3 आ जा रहा है। उसके अलावा जितने भी हमारे पास नंबर हैं वो उन सब में क्या होता है, यूनिट डिजिट सेम रहती है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है कि अगर हम 4 करते हैं और 4 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 4 मिलेगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 मिलेगा, 6 पर 6 मिल जाएगा, 9 पर 9 मिलेगा और 0 पर 0 मिल जाएगा, क्लियर। इतनी सी बात आपको बस माइंड में याद कर लेनी है, बसा लेनी है। इस अगर इतना आप लोगों ने कर लिया उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, विद इन सेकेंड्स देखते ही आप लोगों के आंसर आ जाएंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज, बाकी सब में सेम। चलो अब देखो, यहां पर ये आ गया पहला क्वेश्चन हमारे सामने, 912673 इसका क्यूब रूट फाइंड करना है हमें, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने राइट साइड से 3 डिजिट्स आप कैंसिल कर लीजिए या 3 डिजिट हटा लीजिए। उसके बाद आपको बस इतना देखना है कि यहां पर क्या है, 3 है मेरे पास, कितना है, 3। मगर 3 कब मिलेगा, जब मेरे पास कोई नंबर 7 रहा होगा। मैंने अभी देखा 3 मुझे कब मिलेगा, जब मेरे पास 7 रहा होगा। तो 3 का मतलब है 7, ये फ्लिप्स हैं, फिलिप्स है मतलब 3 दिखेगा तो 7 लिखना है, 7 दिखेगा तो 3 लिखना है। तो मैंने यहां पर लिख लिया 7, क्या लिखा मैंने यहां पर 7। अब उसके बाद मेरे पास बचा 912, कितना बचा 912। अब इस 912 से छोटा क्यूब रूट देख लेते हैं, क्यूब देख लेते हैं। 912 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या होता है भाई, हमें पता चल गया 729 होता है और 729 किसका होता है, 9 का क्यूब होता है, किसका, 9 का क्यूब। तो जस्ट मैंने यहां पर 9 लिख दिया तो मुझे पता चला कि यह 97 का ही क्यूब है, 97 का क्यूब है। दैट मींस इस पर्टिकुलर नंबर का अगर मैं क्यूब रूट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। होप सो आप लोगों की समझ में आ गया होगा, क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छा समझने के लिए। चलो ये मेरे पास आ गया 472 और पहले क्या दे रखा है, 681। तो मैंने यहां से इसको क्या कर लिया, बाइफरकेट कर लिया। मुझे पता है 2 किसका फ्लिप है, 2 होगा भाई 8 के लिए, तो यहां पर मैंने 8 लिख दिया तो मुझे पता चल गया कि 8 आएगा। अब 681 से छोटा परफेक्ट क्यूब उठा लेता हूं मैं, तो 681 से छोटा परफेक्ट क्यूब मुझे पता है कि भाई 512 होता है, 512, और ये किसका होता है, 8 का। तो इसका मतलब 8 आ गया मेरे पास, तो ये पता चला कि ये किस, इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ये मेरे पास आ गया 421875, तो फिर से मैंने 3 डिजिट से, इधर से 3 डिजिट लिखने हैं बस, उसको मैंने कट कर लिया। अब 5 भैया कब मिलेगा मुझे, 5 मिल जाएगा 5 पर, तो इसका खेल तो खत्म हो गया, यूनिट प्लेस पर 5। अब ये बताओ 421 है, 421 से छोटा क्यूब देखना है भाई, परफेक्ट क्यूब, तो बताओ जरा क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 7 का क्यूब 343 होता है, इसका मतलब ये 75 आएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 75, क्लियर। होप सो ये भी समझ में आ गया होगा। अगर हम कुछ लोग सोच रहे होंगे 512 ले लें, तो 512 तो बड़ा हो जाएगा भाई, हमें उससे छोटा ही लेना है, दैट मींस 343 आएगा, 7 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 75। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो ये आ गया मेरे पास 205379, एग्जैक्ट 379। अब देखो भैया यहां पर ये मेरे पास 9 आ गया, अब 9 मुझे कब मिलेगा, बस इतनी सी बात बता दो जरा जल्दी से, 9 मुझे कब मिलेगा, 9 मुझे मिलेगा जब मैं 9 का मतलब 9, ये तो सेम ही रहेगा, 9 पे तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो फ्लिप है नहीं। अब इस 205 से कोई भी छोटा आप एक क्या लेना है, क्यूब लेना है, इसके नियरेस्ट होना चाहिए छोटा, तो मुझे पता चला 125 होगा भाई, 125 किसका, 5 का, तो पता चला कि ये
59 का क्यूब है। किसका क्यूब है ये? 59। तो इसका क्यूब रूट करेंगे तो आ जाएगा 59। होप सो आप लोगों की समझ में आ गया। 216 नहीं ले सकते, 216 ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए एक छोटा ही नंबर लेना है। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें समझ में आई होंगी। विद इन सेकंड्स आपने आंसर फाइंड कर लिया। माइंड का ही खेल है सारा, बस इतना ही देखना है कौन सा नंबर हमारा क्या होगा, इंटरचेंज होता है, और कौन से नंबर हमारे सेम रह जाते हैं। तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको मैं ट्राई कर देता हूं जल्दी से। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए और 5 सेकंड में इसका आंसर जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या है। अगर आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, चलो देख लेते हैं। देखो 6 मिला, 6 का मतलब है 6 ही रहा होगा, 6 तो सेम रहता है। उसके बाद 175 से छोटा, 175 से छोटा परफेक्ट क्यूब 125 होता है, और ये किसका होता है? 5 का होता है। दैट मींस 56 का क्यूब आपको ये मिलेगा, और इसका क्यूब रूट करोगे तो 56 आ जाएगा। ये आप लोगों ने सीख लिया, बहुत ही अच्छा सेशन लगा मुझे भी, समझाने में मज़ा आया, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझने में भी मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अप्लाई करिएगा और कॉम्पिटिशन में क्लियर हो जाइए। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।